नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रजा सिंह। यूपी उपचुनाव में सरगर्मियां चरम पर हैं। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि सीएम योगी अब हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर मुस्लिमों का दिल जीतने में लग गए हैं, तो आप इस पर विश्वास करेंगे और आप क्या कहेंगे? अगर हम कहें कि सीएम योगी अब अपने हिंदू प्रत्याशी से कुरान की आयतें पढ़वा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? यकीन नहीं हो रहा है आपको, मगर ये सच है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने किलर रणनीति अपनाई है, जो राजनीति के पुराने नियमों को चुनौती दे रही है। कुंदरकी सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और यहां पर तुर्क मुसलमानों का वर्चस्व रहा है, लेकिन भाजपा ने सीट पर हिंदू प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए पूरे तरीके से नए अंदाज में उतर रहे हैं। ये है भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह। रामवीर सिंह ठाकुर, जो खुद को ठाकुर होने का दबाव डालकर मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं, जालीदार टोपी पहनकर अरबी रुमाल डालकर मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा वो कुरान की आयतों से अपनी बात शुरू करते हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि भाजपा ने एक नया रास्ता अपना लिया है। उनका मकसद खासकर मुस्लिम राजपूत समुदाय को अपनी ओर खींचना है, जो इस इलाके में एक बड़ा वोट बैंक बनता है। भाजपा ने सीट पर मुस्लिम राजपूतों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बांसित अली को भी सक्रिय कर दिया है। वो मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर रामवीर सिंह के समर्थन में बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में मुसलमानों ने हाथ उठाकर रामवीर को जिताने की शपथ ली है। ये दिखाता है कि भाजपा अपनी रणनीति में सिर्फ हिंदू वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी रखने का इरादा रखती है। अब इस उपचुनाव में सपा, बसपा और ओबीसी की पार्टी ने मुस्लिम तुर्क उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन भाजपा ने रामवीर को एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में पेश किया है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब भाजपा ने इस बार राजनीतिक रूप से ये दिखा दिया है कि वोट बैंक की पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर नए तरीके अपनाने में सक्षम है। कुंदर की सीट पर यह प्रयोग ये संकेत दे रहा है कि भाजपा अपनी राजनीति को सिर्फ एक धर्म जाति तक सीमित नहीं रख सकती। मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भाजपा ने पूरी तरह से नई दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है। अब ये 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम से साफ हो जाएगा कि भाजपा की ये रणनीति कितनी सफल सिद्ध होती है। लेकिन इतना तय है कि इस चुनावी दांव ने राजनीति के पुराने सिद्धांतों को हिला कर रख दिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।